रजोकरी गांव के रामदेव डेरा के लोगों को इंतजार है पीने के पानी का। सरकारें तो बदल गई लेकिन पानी की समस्या अभी तक नहीं बदल पाई। पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से यहां के लोग जूझ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रजोकरी गांव के रामदेव डेरा की, जहां पर पीने की पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। सैकड़ों महिलाओं ने बताया कि यहां पर सरकार हर बार जो बनती है वो वादे तो ज़रूर करती है चुनाव से पहले कि यहाँ पर उनको मूलभूत सुविधाएँ दी जाएगी, और मूलभूत सुविधा सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए पानी की। और दिल्ली की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा था कि दिल्ली वालों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जून के इस महीने के अंदर भी लोगों को किस तरीके से गर्मी में पानी का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर टैंकर तो आता है लेकिन टैंकर से भी लोगों को पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि गलियों में ना तो पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, ना ही यहाँ पर कोई बोरवेल है। साथ ही साथ रजोकरी गाँव में बनने वाले UGR इसकी शुरुआत जब करी गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, तब कई बार हर जगह पर अलग अलग किस्म के होर्डिंग लगाए गए थे, जिसमें कि इस रामदेव डेरा के बारे में भी होर्डिंग लगाया गया था कि रामदेव डेरा मुबारक हो और बधाई हो कि आपके यहाँ पर UGR का पानी पहुँचेगा। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने बताया कि विधायक नरेश यादव को इसके बारे में कई बार अवगत भी कराया गया लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और शायद इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पानी को किस तरीके से स्टोर करते हैं, और घंटों उनको टैंकरों का इंतजार करना पड़ता है। जब यहाँ पर टैंकर पहुँचता है तभी वो लोग पानी भर पाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि मेहरोली विधायक कब तक इसकी समस्या का समाधान कराते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रजोकरी की। नाम बिमला है जी। कब से आंटी जी आपको दिक्कत हो रही है पानी की? हमारे को जी 50-60 तो पानी किस तरीके से भरते हैं, क्या करते हैं, अभी इंतजाम किस तरीके से कर रहे हैं? अभी जाम कभी दूर से लाते हैं, कभी कोई टैंकर जाता है तो मांग के भरते हैं, कोई भरवाता है कोई नहीं भरवाता, बहुत ज्यादा परेशानी है। कड़ी धूप में पानी भरने जाना पड़ता है दूर? हाँ, दूर दूर जाना पड़ता है जी। तो अपने विधायक अपने प्रशासन से किस तरीके से अर्जी लगाएंगे कि वो पानी कैसे मिल सकता है? उसके पास हम कितनी बार जाकर गए, टैंकर भेजते हैं, टैंकर भी नहीं भेजता वो है। इतनी परेशानी होती है, खाप शरीर में घुस मरती है, वीरवाल सिर फूल जाता है। ट्यूबवेल है लेकिन वो ये कि थोड़ी देर चलाता है 2 घंटे, उसमें पानी आए चाहे ना आए, हाँ नहीं होती। लक्ष्मी, क्या दिक्कतें हैं, कब से दिक्कत हो रही है? बहुत दिन से हो रहा है, अब तो जंगल हो गया तो लेटरिन बाथरूम के लिए लेडीज को दिक्कत हो जाती है। लड़की आए बाहर भीतर नहीं जा सके, दारू पीने वाले दारू पीते हैं बाहर घूम घूम के, तो इसलिए दिक्कत है हमारे को। शौचालय बाथरूम नहीं है, नहीं जब से ये मोहल्ला बना तो जब से इसके लिए अर्जी लगाई है, लगाए थे कोई नहीं सुना हमारी। पानी नहीं आ रहा कई सालों से, किस तरीके से पानी इंतजाम करते हो, कहाँ से टैंकर आते हैं? थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, कहीं कहीं से भर के लाते हैं। पैसों से पानी मंगाना पड़ता है? कभी कभी पैसों से मंगाते हैं। तो कितनी दूर जाते हैं यहाँ से पानी लेने के लिए, कितनी दिक्कत होती है? बड़ी दूर जाते हैं उधर खेत। तो क्या गुजारिश करेंगे प्रशासन से? अब क्या गुजार करें, ऐसे ही गुजार करते हैं। दिक्कत हो रही है पानी की, कितनी बार आपने अब गुहार लगाई विधायक ऑफिस या फिर किसी भी प्रशासन के पास? गुहार तो हर साल जब गर्मी आती है हर साल लगानी पड़ती है, क्योंकि गर्मी में हमेशा किल्लत पड़ती है पानी की। पानी के प्रति क्या वादे किए थे आपके विधायक ने या फिर प्रशासन है? उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी समस्या जल्द से जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। टैंकर से तो कब तक पूर्ति होगी? टैंकर से तो ये कि खाना पूर्ति वाली बात तो है, लेकिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं क्या ये पानी के लिए? नहीं नहीं जी, अभी तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। उन्होंने पहले भी बोला था कि आपकी जो मोटी पाइप लाइन आने वाली पानी की 1 साल से 1.5 साल में आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई उसको करीब करीब 2 साल से ऊपर हो गए तो पानी की पाइप लाइन पूरी निर्माण हो रहा है। हाँ, तो वो क्या देखते हैं, वो अभी तक संपन्न हुआ है पूरा हुआ है?
उठने नहीं, अभी कोई उसका तो कोई संपन्न ही नहीं है, वो गाँव पाइपलाइन ही अभी तक नहीं बिछ पाई है। जो टाइम टेबल था उनका एक साल का पीरियड, वो अभी तक नहीं हो पाया, उसको करीब करीब 2 साल हो गए, वो पानी का अभी कोई वो नहीं है। और यहाँ पानी के आगे पाइपलाइन तो आने भी नहीं दे रहे ना, कि बताते हैं कि फॉरेस्ट लाइन है, तो फॉरेस्ट लाइन है तो सारी है, लेकिन जो गांव गांव में उन्होंने जो कहा था कि आपके पहाड़ में भी आपकी पाइपलाइनें पहुंच जाएंगी, लेकिन अभी तक यहाँ पहाड़ में किसी को कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो टैंकर से ही पूर्ति होती है। ये गर्मी में तो हमेशा ही किल्लत रहती है पानी की, मतलब सर्दी में तो तैसे तैसे करके चला लेता है इंसान, लेकिन जब जब गर्मी आती है हमें हमेशा MLA के पास जाना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है कि पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन वो पानी के टैंकर भेजते हैं, पानी का टैंकर कभी आता है ठीक ठाक से, कभी ना कभी हो जाता है। पानी मंगाना पड़ता है? नहीं जी, आगे से तो जब ही मंगाते, जब उधर से टैंकर नहीं आ पाता तभी हमें कुछ मोहल्ले बस्ते वालों से मिलजुल कर अपना अलग से पर्सनल मंगाना पड़ता है। राजधानी दिल्ली में चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने लोगों से कई बड़े बड़े वादे किए थे। उनमें से सबसे बड़ा वादा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का, मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको बता दें इस वक्त मौजूद हैं रजुकरी गांव के रामदेव डेरा में, जहां पे कई लोग रहते हैं और उनको पानी की समस्या पिछले कई अरसों से है, और अभी तक ना उनके विधायक द्वारा और ना ही कोई संस्था द्वारा या फिर कोई प्रशासन द्वारा उनकी बात सुनी गई है। लगातार वो विधायक ऑफिस जाके गुहार लगाते रहे, मगर अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। और औरतें, खासकर जो यहाँ रामदेव डेरा की औरतें हैं, वो पानी की समस्या को लेकर बहुत दिनों से परेशान हैं। और सामने यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, एक गांव वालों ने खुद का पैसा लगा के टंकी भी लगाई हुई है पानी स्टोर करने के लिए। जब भी टैंकरों से पानी आता है तो उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि इनकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि जो टैंकर आते हैं वो पूरी पानी की पूर्ति इस डेरा में, जो रामदेव डेरा जो इलाका है वहाँ पे नहीं कर पाते, तो इनको कभी कभी पैसा देकर भी टैंकर मंगाना पड़ता है, जिससे ये लोग ये टंकी भरते हैं और फिर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसी की शिकायत को लेकर आज कुछ औरतें यहाँ मौजूद हैं और उनकी जो पानी की समस्या है ये जानते हैं, क्या उनकी समस्या है, कब से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सीमा नायक है। कब से आप ये पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्या कितनी दिक्कत आ रही है? सर पानी की समस्या से काफ़ी सालों से ही जूझ रहे हैं, लेकिन अभी कोई प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। हम लोग खास करके लेडीज जो है वो इकट्ठा हो गए, हम लोगों पैसा कलेक्ट करके ही टैंकर, प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं। आप देख सकते हो ये टंकी लगी हुई है, उसमें स्टोरेज करते हैं और जैसे जिस घर में जितना पानी की ज़रूरत होता है उसी हिसाब से हम लोगों बाल्टी के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी हिसाब से लोग अपना यूज़ करते हैं पानी का। जल बोर्ड पे और अपने विधायक दफ्तर पे आपने अभी तक कितनी अर्जियां डाली हैं और क्या सुनवाई हुई है? सर अर्जियां तो हमने गिनती नहीं है, बता ही नहीं सकते कितना अर्जियां डाले हमने, लिख इतना अर्जियां डाले आपके पास, मैंने अगर थोड़ी सी होती तो आपको मैं दिखाती, उसका टूप भी हमारे पास रखी है मैं दिखाती, लेकिन इतना अर्जियां डाले हैं उसका कोई अर्जी का कोई अभी सुनवाई नहीं हो रहा। अभी लॉकडाउन का भी समय है तो कितनी दिक्कत हो रही है? सर लॉकडाउन में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि टैंकर सप्लाई भी नहीं दे पा रहा है और ठीक से नहीं आ रहा है, और इसलिए प्राइवेट जो टैंकर है उनको मंगा के हम लोग कभी-कभी क्या पैसे देकर भी टैंकर, ये सर पैसा दे के ही मंगाते हैं हम लोग, प्राइवेट टैंकर जो होती है वो पैसा दे के ही आता है। तो जिस वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं वो इतना खर्चा क्या अफोर्ड कर पाते हैं जो टैंकर मंगाते हैं? सर नहीं कर पाते, कुछ लोगों नहीं कर पाते, लेकिन हम ही लोगों को कुछ लोगों जो है तो उसको मैनेज हम ही लोग करते हैं। क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से, क्या आपकी तकलीफ किस तरीके से सुने, क्या समाधान हो? सर हमारी तकलीफ ये है क्योंकि यहाँ की जो पानी की सुविधा है, चाहे वो टैंकर की सुविधा किया जाए डेली वेज में या फिर पाइपलाइन का सुविधा किया जाए, और सबसे बड़ी सुविधा हमें ये चाहिए भी है शौचालय का है, क्योंकि यहाँ पे शौचालय नहीं है, हमारी बहन बेटी बाहर कब तक जाएंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा, नहीं बनने दे रहे कोई घर। वोट तो आप लोगों ने भी दिया है तो आपका भी हक बनता है कहना है कि पानी और सरकार से मांगे, जिसको आपने वोट दिया उनसे मांगे। सर सरकार हमने वोट दिया, अधिकार हमारी था हमने वोट दिया, लेकिन अब उनका अधिकार है वो हमारी सुने, जब तक हमारी बारी था हमने दिए उनको जिताए, हमने उनको राजा बनाए, लेकिन उनका काम भी है हमारी प्रजा की सुनने चाहिए, लेकिन नहीं सुनवाई कर रहे। पूरी कोरोना के दौरान हमारी विधायक ने एक बार आके दौरा नहीं किए कि ये लोग प्रशासन कैसे हैं, मर रहे जी रहे कैसे हैं। फिलहाल मेरे परिजन में भी कोविड हुआ था, मैंने उनसे भी गुहार लगाई, मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है, मुझे बेड की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ।
जैसे कि बताया कि कई बार विधायक ऑफिस और जल बोर्ड के दफ्तर जाके भी अर्जियां लगाई, मगर अभी तक प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी और ये जो यहाँ की समस्या है सुनी नहीं गई। और पानी के लिए कई अरसों से ये तरस रहे हैं लेकिन पानी नहीं आया, और जो इनका वोट का अधिकार था इन्होंने उसका इस्तेमाल तो किया मगर वोट देने के बाद भी इन्हें पानी नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कब तक प्रशासन जागता है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी गुहार सुनता है और पानी यहाँ तक पहुँचाता है। वैसे तो अभी लोग काफ़ी इस पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, अब आगे देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक सुनता है। मैं दौलत शर्मा, कैमरामैन शिल्पा के साथ आर सोनी न्यूज़ दिल्ली।